फ्रेंड, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेवई की खीर। तो आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी गर्म होने के बाद में हम इसमें डालेंगे 7-8 बादाम जो मैंने बड़े टुकड़ों में काट दी हूँ, और 7-8 काजू उसको भी मैंने बड़े टुकड़ों में काट दी हूँ, वो हम डाल देंगे। और काजू बादाम का रंग चेंज होने तक के हम इसे पकाएंगे। देखिए काजू बादाम का रंग चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें 1/2 लीटर दूध डालेंगे। ये उबला हुआ दूध नहीं है, हम पैकेट से ऐसे ही डाल रहे हैं। डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम शक्कर। 1/2 लीटर दूध को 100 ग्राम शक्कर डालेंगे। अभी हम इसको 2-3 उबाल आने तक के पकाएंगे। देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अभी हम इसको 5 मिनट और धीमी आंच पे पकाएंगे। देखिए 5 मिनट और दूध को पकाने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम भुनी हुई सेवई। सेवई को अब हम अच्छे से पकने देंगे। चम्मच से हम हिलाते ही रहेंगे ताकि नीचे दाग ना लग जाए। देखिए सेवई अच्छे से पक गई है, खीर भी हमारी गाढ़ी हो गई है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इलायची अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए माशाल्लाह सेवई की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना सेवई की खीर कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।